हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है दोस्तों। टेंस और टेंस में मतलब यहाँ पर मैं पार्ट टर्मर 37 आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले पार्ट टर्मर हमने 36 तक पढ़ा दिया, ठीक है, जिनमें मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, मुख क्रिया का कौन सा रूप लगता है, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय, ठीक है। ये सब मैंने समझा दिया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण और सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले अपने को ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले अपने को ये जानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका सूत्र क्या होता है, पहले ये जानना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, बताते हैं आपके। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों बताते हैं। याद रखिए, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे दोस्तों, प्लस सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया दो होती है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह दो होती है दोस्तों, याद रखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों वह दो होती है, हैज और हैव होती है, ठीक है। तो कर्ता धन सहायक क्रिया, इसके बाद दोस्तों लिखेंगे मुख्य क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया अधन भी थ्री, अधन क्या लिखेंगे दोस्तों याद रखिएगा, कर्म, ठीक है। कर्म प्लस अन्य बातें, ठीक, समझ में आ रही होगी बातें। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका जो सूत्र होता है दोस्तों मैं आपके बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, कर्म, अन्य बातें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का यह स्ट्रक्चर अर्थात यह सूत्र है, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं, आपके बताते हैं। उदाहरण नंबर पहला लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला, इस फार्मूले को याद करेंगे तो कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा आप अंग्रेजी में उसे आराम से बना पाइएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला लेंगे और आपके बताएंगे। उदाहरण नंबर पहला लिखेगा, उसने अपना खाना खा लिया है, ठीक है। लिखेगा दोस्तों, उसने अपना खाना, उसने अपना खाना खा लिया है, खा लिया है। तो दोस्तों वाक्य क्या लिखा गया, उसने अपना खाना खा लिया है, ठीक है। खा लिया है मतलब यहाँ से पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, ठीक है। कैसा वाक्य दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र क्या है, कर्ता। तो इसमें कर्ता ढूंढेंगे, उसने अपना खाना खा लिया, उसने का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों याद रखिएगा, ही होता है। क्या होता है दोस्तों, ही। उसने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे, हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों ही हैज। इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया, खाना खा लिया। तो खाना खा लिया का जो होता है अंग्रेजी वह दोस्तों टेकन, टेकन, ठीक है, टेकन। और खाना खा लिया अपना, तो ही के लिए अपना का लिखा होगा, हिज होगा, हिज फूड, हिज फूड, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। उसने अपना खाना खा लिया, ही हैज टेकन हिज फूड, समझ में आ रही बात, ये वाक्य बनेगा। उदाहरण नंबर अगला लेते हैं, सेकेंड वाला, और आपके बताएंगे, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। महेश ने एक पत्र, महेश ने एक गाना गाया, ठीक है। महेश, महेश ने एक, महेश ने एक गाना गाया है, गाना गाया है, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। महेश ने एक गाना गाया है, ठीक। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों बताते हैं आपके, ठीक है। महेश ने एक गाना गाया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इस सूत्र को देखिएगा, सूत्र क्या है, पहले कर्ता है, तो महेश क्या है, कर्ता है। तो महेश की अंग्रेजी लिखेंगे एम ए एच ई एस, महेश। इसके बाद है सहायक क्रिया, है महेश हैज, ठीक है।
अब दोस्तों महेश क्या था, एक वचन था ना, जब एक वचन था तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों ध्यान से देखना, महेश हैज इसके बाद दोस्तों गाना गाया है, तो गाना गाने की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों, संग होती है, मतलब सिंग माने गाना, इसका थर्ड रूप क्या होगा, संग, एस यू एन जी, संग, ठीक है। महेश हैज संग ए संग, ठीक है, ए संग, फुल स्टॉप दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके बताना चाहूंगा यहाँ पर उसने अपना खाना खा लिया है, ठीक है, तो दोस्तों ही हैज टेकन हिज फूड, यहाँ टेक माने लेना, भोजन मतलब खा तो रही है, ले रहा है ना भोजन, अंदर ले रहा है भाई, तो टेक मान लेना होता, लेकिन तीसरा रूप क्या होता है दोस्तों, टेकन, इसलिए यहाँ पर टेकन लगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों संग का मतलब सिंग माने गाना होता है, लेकिन तीसरा रूप क्या होगा दोस्तों, संग होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ही लगता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं और आपको बताते हैं, तीसरा उदाहरण लेंगे और आपके बताएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आज एक चोर पकड़ा है, ठीक है, मैंने आज एक चोर पकड़ा है, ठीक है, एक चोर पकड़ा है, चोर पकड़ा है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने आज एक चोर पकड़ा है, ठीक है। अब मैंने का अंग्रेजी क्या लिखी दोस्तों, आई माने क्या होता दोस्तों, मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखेगा दोस्तों, आई जो होता है दोस्तों, ठीक है, वह बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, जो आई होता है वह बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुवचनकर्ता के लिए कौन सा लगता है, सके हैव, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव, इसके बाद पकड़ना, तो कैच माने पकड़ना होता है, लेकिन उसका थर्ड रूप लिखना, तो उसका थर्ड रूप काट होगा, सी ए यू जी एस टी, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, आई हैव ए काट, सी ए यू जी एस टी, ठीक है, आई हैव ए काट अ थीप, ठीक है, अ थीप टूडे, टी एच आई एफ, थीप टूडे, ठीक है दोस्तों। मैंने आज एक चोर पकड़ा, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव ए काट ए थीप टूडे, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, एक उदाहरण और आपके बताएंगे, ठीक है। उन्होंने अपने स्कूल का, ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपने स्कूल का, ठीक है, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो वाक्य यहां पर क्या है दोस्तों, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है, ठीक है। दे होती है दोस्तों, क्या होती है, दे, उन्होंने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, दे होती है। वचन के लिए हम सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे दे हैव, ठीक है, दे हैव, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है, तो दे हैव, इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, समाप्त करना, तो समाप्त करना की जो अंग्रेजी होती है फिनिश होती है, लेकिन तीसरा रूप क्या होगा, फिनिश्ड होगा, क्या होगा दोस्तों, फिनिश्ड होगा, तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एफ आई एन आई एस एच ई डी, फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड अपना, अपने स्कूल का है ना, तो डियर स्कूल, क्या लिखेंगे दोस्तों, टी एच ई आई आर, डियर स्कूल, डियर स्कूल वर्क, ठीक है, डब्ल्यू ओ आर के वर्क, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, दे हैव फिनिश्ड डियर स्कूल वर्क, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।